السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الريحان تجويد سيريز مي اپ کا आइए देखते हैं आज हम अपने सबक नंबर पंद्रह में कौन सा तजवीज का कायदा और कौन सा मखरिज सीखते हैं आज हम सीखेंगे नून साकिन और तनवीन का कायदा नंबर दो जो है अलजहार इजहार देखते हैं ये इजहार क्या है इजहार का मतलब है जाहिर करना क्या जाहिर करना क्योंकि हम नून साकिन और तनवीन के कायदों में इसको इस हिसाब से बात कर रहे हैं तो क्या होगा उसकी तारीफ क्या होगी फिर इधार की नून साकिन और तनवीन के नून को साफ पढ़ना हमने इदाम में क्या किया था नून साकिन को उसके अगले जो हर्फ था या मलून में से उसके साथ में मिला दिया था यहाँ पर हमने क्या करना है के नून साकिन और तनमीन के नून को साफ पढ़ देना है कब पढ़ना है देखते हैं सबसे पहले देखते हैं इजहार क्या है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं हर हर्फ को इसके मखरज से वाजह पढ़ना यानी कि जो हर्फ है उसको अच्छी तरह से पूरा जैसा है वैसे अदा कर देना और गुन्ना किए बगैर नून की आवाज को बिल्कुल साफ पढ़ना। जब हम इजहार करते हैं तो नून में गुन्ना नहीं होता आप कहेंगे कि नहीं नून में तो गुन्ना होता है जी नून में गुन्ना कितना होता है जितना कि उसकी अदायगी में लगता है जैसे अन अन, इतना तो चाहिए जो गुन्ना है वो नून की सिफ है ठीक है ना तो इतना तो आएगा ही आएगा वही इजहार है अन और इजहार के अलावा ये? ये हो गया नहीं करना तो कैसे पढ़ेंगे अन अन बस इतना ठीक है तो आइए देखते हैं कि इजहार कब किया जाता है नून या तनवीन के बाद जब इन छः हरूफ में से कौन से छः हरूफ हमजा हा आएन, हा खा इन छः हरूफ में से कोई एक हरफ आ जाए तो नून साकिन का इजहार किया जाता है यानी नून को साफ पढ़ दिया जाता है नून को गुना किए बगैर साफ पढ़ दिया जाता है इसको इजहार हलकी कहा जाता है तो इसको इजहार हलकी क्यों कहा जाता है देखते हैं इजहार के जो हरूफ हैं, वो कितने हैं छ कौन कौन से हमजाहा आइन हा हा। आपको कुछ याद आया हमने ये हरूफ कहाँ किए थे कौन से मखरज से किए थे जी इसको किया था हमने जब हमने हल्क गले का मखरज किया था तो वहां हमने इन छह हरूफ के मखरज पड़े थे तो इसीलिए क्योंकि ये छह हरूफ हल्क से निकलते हैं उनका मखरिज हल्क है इसलिए इनको इजहार इस रूल को इस कायदे को जो नून साकिन और तनवीन का कायदा है दूसरा इसको क्या कहा जाता है इजहार हलकी तो इजहार हलकी के कितने हरूफ है हा, आए, हा, खा। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ईद के कितने हरूफ थे और कौन कौन से थे याद है या रा लाम, वाओ, नून। वो भी छह ही हरूफ थे और उनको हमने कैसे याद किया था यमलून बना दिया था इन इन लेटर्स से इन हरूफ से हमने क्या किया था एक लफ्ज बनाया था जो कि यलून था तो इससे क्या पता चला आपको इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी नून साकिन और तनवीन हमारे सामने आएगी हम कुरान की तिलावत के दरमियान देखेंगे तो हमें उससे अगला हर्फ देखना पड़ेगा अगर उससे अगला हर्फ इधार के इन छह हरफ में से एक होगा तो हम इधार कर देंगे और अगर नून साकिन और तनवीन से अगला वाला जो हर्फ होगा वो इन छः हरूफ़ यानी इदाम के हरूफ में से हुआ यामलून के हरूफ से हुआ तो हम ईदाम कर देंगे हम नून साकिन तनवीन को इसमें से जो भी हर्फ आएगा उसके साथ मिला देंगे फिर हम इजहार नहीं करेंगे इजहार करेंगे नून साफ कब पढेंगे? जब हमें हरूफ हल्की दिखेंगे और मिलाएंगे कब किन लेटर से मिलाएंगे जब यरमलून में से कोई एक हरफ आएगा ठीक है अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अब ये इजहार हल्की क्यों कहा जाता है इजहार के हरूफ हल्क से अदा होते हैं इसीलिए इस कायदे को इजहार हलकी कहा जाता है मैंने आपको पहले ही बताया तो ये आपकी दोहराई हो गई अब इजहार हलकी की कुरान में हमजा और हा की मिसालें देखते हैं कितने हरूफ थे छः और उनमें से दो कौन से थे हमजा और हा उनकी मिसालें देखते हैं कुरान में कौन कौन सी हैं तो नून साकिन में एक लफ्ज में हमजा की मिसाल देखते हैं यन आउना, यन आउना, यन देखिए मैंने पढ़ दिया नून क्योंकि नून साकिन के बाद हमजा यन औ मैंने यन औ नहीं कहा मैंने कैसे पढ़ा यन अव और दो लफ्जों में कैसे आता है व मन अहसनु व मन अहसन यह अहसनु जो भी है जब आप कंटिन्यू करेंगे जब ठहरेंगे तो आप इसको साकिन करेंगे व मन अहसनु तनवीन में देखते हैं कि कैसे आता है तिज रतन अवलवन तिज और तन अवल आप देखते हैं हा की मिसाल हा में एक लफ्ज में कुरान में एक हमने जो है वो लफ्ज चुना है उसको सुनिए अनहारुन अनहारुन मिन मिनहाद और देखें इसको तनवीन में फरी कन हदा। तो हमजा और हा अकसुल हल्क यानी नीचे के हिस्से जो हल्क होता है जो गला होता है उसके सबसे नीचे के पोर्शन से मखरज से अदा होते हैं देखते हैं इधार हल्की की क़ुरान में आइन और हा की मिसालें आइन को देखते हैं नून साकिन में एक लफ्स में अन लफ्जों में मन, मन तनवीन में समी ओन आली समी ओन आली हा की मिसाल देखते हैं एक लफ्ज में वन हर, वन हर ये नून साकिन की मिसाल है और दो लफ्जों में नून साकिन की मिसाल मिन है की तनवीन में कर में قرض सन قرض ग और इधार के हरूफ का जो आइन और हा का मखरज है वो क्या है वसतुल दरमियान में से हमने ये वाले अल्फाज निकाले थे याद है आपको अब देखते हैं इधार हल्की की कुरआन में गैन और खा की मिसालें। मिसालेंून में एक लफ्स में देखते हैं फसयूं फसयूं ऐसे पढ़ू मैं यूं यूं, 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 ये सब गलत होगा कैसे पढ़ेंगे हमें? गुन्ना खेचना नहीं गुन्ना करना नहीं सिर्फ इजहार करना है नून का कैसे फसयूं फसय फसयूं सून फसयूं दो और दो लफ्जों में मिन गैरी इसको ऐसे नहीं पढ़ना मिन गैरी मिन गैरी दोनों गुना इस अप्लाई नहीं होंगे मिन मिन फसायुन युन मिन मिन गैरी फिर तन्वीन में इसकी मिसाल देखते हैं मा अन गदाका

ईदिन ख्वाशिय यो म ईदिन ख्वाशिया और ये कौन से हलके हिस्से के मखरिज है अदनल हल्क़ वो हिस्सा जो सबसे ऊपर है और जो मुंह के नज़दीक है तो देखते हैं हम कुरान में इसको किस तरह से इसकी शनाख्त करेंगे इधार के कायदे की शनाख्त कैसे करेंगे सूरतवाशिय أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية اسمي كتش نيه كوي قايدة نيه وجوه يومئذ خاشعة يا وجوه यहाँ पर क्या आया है तनवीन तनवीन के बाद क्या आया है या या जो है ये हरूफ हलकी में से है क्या ये इजहार का हर्फ है नहीं यो या।, या किसका हर्फ है यर मलून में से है तो यहाँ इजहार नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इदाम और ईदगाम कौन सा याद है या और वाव में कैसा ईद होता है नाकस गुन्ना के साथ वो जो हुई इदिन अब देखिए यहाँ पर ये जो कसरा है जो ये जेर की तनवीन है उसके बाद ख आया है खा, खा जो है देखिए कौन सा हर्फ है गले का ये हरफ है जी बिल्कुल ये ये जो है ये हरूफ है हल्की में से है तो हम क्या करेंगे अब हमें पता चल गया अब हमने जो तनवीन का नून है इसको बिल्कुल साफ पढ़ देना बगैर गुन्ना किए वो जो हुई ख़ाशिया अब यहां भी देखें तनवीन है उसके बाद नून है तो क्या यहाँ इजहार होगा नहीं यहाँ इजहार नहीं होगा नून यरमलून में से है यरमलून हरूफ जो हैं वो ईदगाम के हरूफ हैं तो यहाँ ईदगाम होगा इजहार नहीं होगा आमिलत नासीबला अब यहां देखें नारन और उसके आगे हा है गौर कीजिएगा ठीक है यहाँ पर क्या है तन्वीन है तो दो जबर की और आगे है 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 तो हा जो है, ये हम यहाँ पर क्या करेंगे इजहार तनवीन के नून को बिल्कुल साफ पड़ेंगे मिया अब आगे देखिए मिन आनिया। अब यहाँ पर दो इजहार हैं मिन देखें नून साकिन और उसके बाद आइन आइन जो है वो हरूफ हल में से है तो हम क्या करेंगे इजहार कर देंगे नून को यहाँ साफ पढ़ेंगे मिन आई अब नून के नीचे आप देखें तो दो कसरा है दो क्या है जेरे हैं जेर की तनमीन है और आगे क्या है यहाँ पर क्या आया ये पाकिस्तानी जो असफ है है उसमें हमजा की बजाय खड़ी जबर होती है इसका मतलब है ये हमजा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इजहार करेंगे आईन आगे देखते हैं पामिन यहाँ मैंने इजहार किया मैंने मिन बरी पढ़ा नहीं बिल्कुल भी नहीं यहाँ मैंने पामुन में मैंने इजहार किया क्यों इसलिए कि मीम जो है उसके ऊपर तनवीन है और उसके बाद क्या आया है उसके बाद आया है कसरा उसके बाद आया है कसरा यहां पर यानी जेर जिसका मतलब है यहाँ पर ये हमजा है तो हमजा हरूफ हल से है तो यहाँ पर हम नून का इजहार करेंगे इल्ला मिन आगे देखें यहाँ भी इजहार नहीं होगा क्योंकि नून साकिन के बाद ज़ीम है और ज़ीम जो है वो इजहार का हर्फ नहीं है यहाँ कोई और कायदा लगेगा जो इनशा हम पढ़ेंगे आगे देखें वो जो हुई इदिन जो हुई यहां भी तनवीन है लेकिन उसके बाद हरूफ हल में से कोई नहीं है या है यहाँ ईदगाम होगा इजहार नहीं होगा फिर यहाँ देखें जाल के नीचे भी तनवीन है लेकिन उसके बाद नून है तो यहाँ भी हम इजहार नहीं करेंगे क्या करेंगे ईदगाम अगला देखते हैं यहाँ कुछ नहीं है कोई भी नून का तनवीन का और नून साकिना कायदा नहीं है आखिरी देखते हैं आया फी जन्नतिन आलिया फी जन्नतिन आलिया अब देखिए यहां तिन आ आइन आ गया आइन कौन सा हर्फ है हरूफ हलकी और कौन सा हर्फ है इजहार हलकी का लव, हर, हर हर्फ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जन्न तिन तिन नून क्लियर पड़ा और फिर आइन पड़ा फी जन्न तिन आलिया ओके So, ये था हमारा आज का कायदा इजहार इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है इसका जो इसके जो छः हरूफ हैं हरूफ हल्की इनको आपने याद करना है और जब कुरान पढ़ना है आपने उसकी तिलावत करनी है तो इन ला आपको ये सारे जो कायदे हमने अभी तक सीखे हैं उनको उस पर लागू करना है उनके साथ पढ़ना है तआला हमारी मदद फरमाए अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ अगले हिस्से की तरफ जो है मखारिज का हिस्सा और हम मखरज पाँच पढ़ रहे थे लिसान पे हैं हम और एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं पांच जुबान के पांच हिस्से हैं अकसलसान ज़ुबान का पिछला हिस्सा वसतुल्लिसान ज़ुबान का दरमिनी हिस्सा और फिर हाफत लिसान जुबान के दो किनारे और फिर क्या आता है औरफुल्लिसान जुबान की नोक का हिस्सा और फिर आता है रसुल्लिसान जुबान का सर और जुबान में क्या है कितने हरूफ आते हैं दस हरूफ के मख, जो हैं वो निकलते हैं दस मखरज हैं उसके और उनसे अट्ठारह हरूफ जो हैं वो निकलते हैं कितने मखरज हैं दस और अठारह हरूफ निकलते हैं हमने अकसान जो था वो पढ़ लिया था उसके दो हरूफ के मखरज जाने थे कौफ और कैफ और फिर हमने अपने पिछले सबक में वसतुल्लिस जुबान का दरमिया हिस्सा शुरू किया था और उस सिलसिले में हमने जो है वो जीम को पढ़ लिया था जीम का हमने मखरज कर लिया था आज हम करेंगे बेदनिल्ला बेतमील्ला इनशाला शीन का मखरज तो थोड़ी सी दोहराई करते कि वसतुल्लिस में से तीन हरूफ निकलते हैं जीम शीन या और वहां से जो तीनों हरूफ निकलते हैं तो जुबान की जो पोजिशन है वो तीनों हरूफ के लिए अलीदा अलीहदा ऊपर उठती है देखें जीम के लिए यहाँ पर जुबान ऊपर लग गई है तालु के शीन के लिए जुबान और तालू में थोड़ा सा फासला है और या जो है गैर मदिया यानी मद वाला साकिन या नहीं बल्कि जब वो मुतहरिक होता है तो उसको जब हम या यी यू यन इस तरह पढ़ते हैं तो क्या होता है तब वो यहाँ से वसतुल्लान तो से निकलता है तो जीम या जुबान के दरमिया हिस्से से अदा होते हैं और आवाज निकालने के लिए जुबान अपने तालु यानी अपने मुखालिफ ऊपर के तालु को लगती है जीम हमने कर लिया था आज इनशा हम करेंगे शीन शीन का मखरज करेंगे तो शीन का जो मखरज है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे शीन जुबान के दरमियानी हिस्से से अदा होता है और जुबान अपने मुखालिफ ऊपर के तालों की तरफ उठती है मगर तालू और जुबान में थोड़ा सा फासला होता है ताकि आवाज निकल सके क्योंकि अगर तालू को उसने छू लिया फिर आवाज यहाँ पर बंद हो जाती है तो ये देखें यहां से आवाज निकल रही है ना ये आपको लाइनें नजर आ रही हैं तो बोलिए अश 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 देखें जुबान आपको महसूस होगी कि ऊपर तालू पे नहीं लगी इसकी प्रैक्टिस करते हैं शीन की मिसालें हैं वो अब देखते हैं कि हम इसमें गलतियां क्या करते हैं शीन की अदायगी में क्या गलतियां करते हैं शीन की एक सिफ है जिसे तफशी कहा जाता है तफशी होता है स्प्रे करते हैं ना हम की आवाज आती है देखिए शीन में आती है ना आवाज श्च। तो वो जो है उसके सिफ को अच्छी तरह से अदा नहीं करते हम जब इसको शीन को पढ़ते हैं अब उसमें तफशी की जो सिफ है उसमें भी ये देखना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा मुबालगा ना करें कि हर वक्त हर तरफ होता रहे और हमारी जो तिलावत है उसमें बस की आवाज आती रही नहीं हर चीज की एक जो है उसको हमने अहतदाल में लेना है ता हम्स था जो काव का हम्स है सब में हमने क्या करना है के अहतदाल से काम लेना है तो शीन की जो सिफ है तफशी स्प्रे करने की उसमें भी हमने अहतदाल करना है इस तरह कम भी नहीं करना शया शया शे शया शया पी नीहिम शया पीहिम कैसे पढ़ना है श, शया हिम, शया पी नीहिम शया पी नीहिम ओके दूसरी गलती क्या करते हैं शीन को मोटा पढ़ना शुरू कर देते हैं जब वो किसी uh, मोटे हर्फ से पहले आए तो श पापा श पापा शेवी हो गया श श पाता श पाता श पाता और ये देखें य ये ये देखे, शीन जो है वो लाइट बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है इसको यश यश नहीं पढ़ेंगे ठीक है यश श यश इसमें इमाला भी नहीं करना यश श ये इमाला हो जाता है इमाला नहीं करना बीच में रहना है मोटा नहीं पढ़ना बारीक पढ़ना है यश उ ठीक है चलें अब आंदा से हम ध्यान रखेंगे कि हम अपने शीन में ये सब गलतियां ना करें अल्लाह व तआला से दुआ है कि वो हमको सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए अपने कलाम को खूबसूरत पढ़ने की और जिस तरह से उसका हक है उस तरह से पढ़ने की आसानियाँ और तौफीक और और जो है हमने फरमाए आमीन ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته